मैंने पत्र एक थको थी गया मेरी नौंदा भी एक थको थी गया मेरा अबू जीत चुते हैं मेरी मम्मा भी आ चुती हैं मैं भी आ चुता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारे जो है ना हालात कुछ नसास की वजह से कि एक बहन भाई ने हमारी जो है ना यूके से हेल्प की है। सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वसीला बनाया हमारे लिए। तो उसके बाद जो है ना उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस हालात में हमारा साथ दिया और हमारी हेल्प की। तो उनका तह दिल से शुक्रिया करते हैं। अल्लाह पाक उनके हर मुश्किल आसान करे। जिस मकसद के लिए भी उन्होंने हमारी हेल्प की है अल्लाह पाक उनकी हेल्प भी करे और हर मुश्किल उनकी आसान भी करे। जो उन बहन भाइयों ने हमारी मदद की जो पैसे भेजे थे तो हमने कुछ राशन ले लिया। तो उसके बाद जो है ना हमारा बिल आया हुआ था 10,000 रुपये। कुछ हमने वो पे किया तो कुछ मेरी दवाइयाँ काम पड़ गई थी तो फिर मैंने वो भी ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो राशन हमने लेके आए हैं वो भी आप बहन भाइयों से शेयर करते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं। जल्दी जल्दी से खोलती हूँ और बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या हमने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 के ये राजी हमारा 10 से 15 दिनों का राशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जो भी सामान लेके आए हूँ आपके सामने और आपको बताता भी हूँ कि क्या क्या हस्ब ज़रूरत हमने ख़रीदा है। तो ये रही जी माछ की दाल 2 किलो हम लेके आए थे माछ की दाल। ये पिसा हुआ धनिया। तो ये लेके आए थे 2 पैकेट नमक के। तो ये लेके आया था माचिस के डब्बा और ये 2 मिसाले के डब्बे लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही जी हल्दी और ये रही लाल मिर्च। तो 2 किलो चने की दाल। तो 5 किलो लेके आए थे चीनी और 1/2 किलो पत्ती का डब्बा और 5 किलो घी का डब्बा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। जो हस्ब ज़रूरत थे हमारे तो हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए थे। तो बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्ज़ी वगैरह तो इंसान रोज़ाना की बेस के ऊपर ले भी लेता है। तो इंशाल्लाह बाकी का जो सामान हमने किचन वाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके आए। जी तो राशन हमने जो है ना समेट लिया है और जो है ना एक माछ की थैली जो है ना फटी हुई थी तो बेगम साहिबा को मैंने कहा है कि जो है ना इसको समेट लो और इसको ले जाते हैं जी किचन में और किचन में जिस जो जो डब्बे खाली पड़े हुए हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं। तो जो बचेगा फिर वो रहने देंगे। हस्ब ज़रूरत जो जो ख़त्म होता जाएगा तो इस्तेमाल करते जाएंगे। जी तो सामान लेके आ चुके हैं किचन में और किचन में जो जो सामान हमें ज़रूरत है डब्बों में वो हम डब्बों में रख देते हैं। जो सामान बचेगा हम जो है ना उस कमरे में रख देते हैं सेव करके। तो फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से उठा के हम इस्तेमाल कर लेंगे। निकालना पड़ता है जैसे खून निकालते हैं इंसान क्योंकि घी सबसे महंगा है। इसका तो एक एक कतरे का बूंद का ख्याल रखना पड़ता है। घी की वजह से दोनों का हमेशा झगड़ा होता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो जो हमारा सामान जरूरत मुताबिक था वो हमने रख लिया है और बाकी का सामान हमने गट्टू में डाल कर रख दिया है क्योंकि
ये रखेंगे उस कमरे में, अम्मी वाले कमरे में, क्योंकि वहां पर बच्चे भी वो जाया नहीं करते, क्योंकि अम्मी डंडा उठा के उनको सर में देती है जो भी बच्चा अंदर जाता है, तो शरारतें जो करते हैं। तो वैसे तो बच्चों से प्यार भी बहुत करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप रख दो। ये चुप करके ना अम्मी के कमरे में रख दी थी ताकि अम्मी मुझे मारे। मुस्तफा ना ने एक दिन भी गाड़ी नहीं चलाई, बस दूसरे दिन इसने तोड़ दी, एक टायर भी तोड़ दिया। कितनी माशाल्लाह से प्यारी गाड़ी थी। सब बच्चे साथ चले इंशाल्लाह। अभी कह रहा कि मुझे रिमोट वाली गाड़ी लेके दो, मैंने बोला अभी तू ऐसे ठहर जा तो आपको गाड़ी नहीं लेके दूंगा, क्योंकि आप जो ना जल्दी से तोड़ देते हो जो भी चीज लेके देते हैं। तो इसको तो अम्मी जान अल्हम्दुलिल्लाह जो बहन भाइयों ने हमारे लिए हमारी इतनी मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राशन जो लेके आया था कुछ जो है ना मैंने किचन में रख दिया है, और बाकी का जो बचा है तो मैंने आपके कमरे में रखा है। तो उन बहन भाइयों के लिए ये इतनी सारी दुआ करें, इतनी सारी दुआ करें हर मुश्किल आमीन आमीन। तो उन्होंने हमारा हाँ जी अम्मी जान कह रही है कि उर्दू में बात नहीं गया, जो जिन्होंने हमारा ख्याल किया अल्लाह पाक उनको ढेरों तरक्कियां दे और हर मुश्किल आसान करे उनकी। आमीन। तो मैं यही कहने जा अम्मी से भी दुआ करे, हम भी उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं अल्लाह पाक करम करे, हर मुश्किल आसान करे। आमीन। बॉल के साथ खेलते हैं इसी खुशी में। हाँ आज आज इसी खुशी में। तो फिर अम्मी जान आप रेफरी होगी हमारी। हाँ अम्मी जान आप बताना कौन जीत गया और कौन हार गया आज दोनों, और कुछ चीटिंग करे वो भी बताना। आज दोनों आज मैच लगाते हैं। एक पॉइंट हो गया मेरा, एक पॉइंट मेरे बना लिया, एक स्कोर हो गया हमारा। मैंने पता था एक स्कोर ठीक गया। वन स्कोर बराबरी। मेरी नौं दा भी एक स्कोर ठीक गया। ये दो स्कोर। मेरे बेटे में दो कहे हो गए स्कोर। बस तीन पॉइंट थे, अभी मैं जीत गया हूँ, आप हार गई हो, दोनों माँ बेटा हार गए। मेरा अबू जीत चुका है, मेरी मम्मा भी हार चुकी है, मैं भी हार चुका हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो हमारी आप बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।